उनके हॉस्टल उनके यूनिफॉर्म गाड़ी यहाँ खड़ी कर दीजिए, बाद में कर लेंगे हम गाड़ी से। कौन सा जिला अस्सलामुअलैकुम सर, मेरा नाम आमिरुल्लाह, मेरा तालुक फाटा के जिला शिमाली वजीरिस्तान से, मैं खुद कैद कसूर में सर दोम एवे का तालिब इल्म हूँ। वेलकम टू अखबार। अस्सलामुअलैकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, मेरा नक्श किए गए हैं, जब आप इसको पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला के सिफाती नाम में से असमी अल बसीर अल हकीम अल अदील अर रहमान अर रहीम अल्लाह ताला के 99 सिफाती नाम आपको नज़र आएंगे। इसमें कहीं भी आपको अल गरीब गुरबत अफलास इन चीज़ों का जिक्र नहीं आएगा, क्योंकि ये चीज़ें माशरे में पैदा होने वाली पेचीदगियाँ हैं और सवाल ये पैदा होते हैं कि इनको कैसे ख़त्म किया जाए। तो इनको ख़त्म करने के लिए हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़िलासफ़ी जो मवाक़त मदीने के मौके पर दिया गया था उसका हम रुजू करते हैं और वहीं से हमारा विजन निकलते हैं। अपोर्टिव फ्री सोसाइटी बिल्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ कंपैशन एंड इक्विटी, ये हमारा विजन है सर। आइए सर नेक्स्ट। लाहौर में एक रन बिल्डिंग पर चलाए जा रहे थे, इसका बाकायदा इनॉग्रेशन अगस्त 14, 2018 को यहाँ पर किया गया था, जिसमें हमारे फाउंडर अखवत डॉक्टर मोहम्मद अफील साहब, ईमान अल्लाह ताला पर ईमान, रसूल पर ईमान, नामी किताब पर ईमान, ईमान ये जो आप चौथी साइड देख रहे हैं इसमें हमारे मेंबर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नाम लिखे गए हैं, जिसमें सबसे पहले डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब चेयरमैन, इसके बाद बाकी मेंबर्स जो आप नेक्स्ट विजिट कर रहे हैं। हमारे जी जो लोग निकले हैं यहाँ से, कितने लोग निकले हैं और क्या चर्चा सर? अभी तक हमारे 520 स्टूडेंट्स यहाँ से पास आउट हो चुके हैं जो एफएससी के स्टूडेंट्स हैं सर, और वो डिफरेंट मेडिकल कॉलेज में भी है, टीएमए में भी गए हैं हमारे स्टूडेंट्स और एयरफोर्स में भी गए हुए, डिफरेंट फील्ड में गया सर। सर ये हमारा एग्जीक्यूटिव ऑफिस फ्लोर है सर, हमारे पास यहाँ 4 प्रोग्राम है, अखबार मुशाहिदा स्कूल ऑफ हॉस्पिटल के टूरिज्म और उसके बाद हमारे यहाँ पोस्ट मिनिस्ट्री का, उसमें 2 प्रोग्राम है, बी एस आई टी और बी एस इकनॉमिक्स, और इस वक्त हमारे पंजाब मिनिस्ट्री के साथ है, इसमें 50 में बैठने की गुंजाइश है, कंपटीशन नार्थ कंपटीशन ग्राफ कंपटीशन तकरीर मुकाबले सारे इसमें होते हैं, इसमें एक वक्त पे 120 स्टूडेंट्स और प्लस गेस्ट बैठ सकते हैं, अगर नीचे जगह पूरे हो जाए तो हम ऊपर भी स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। जी किस आपने लगे सेकेंड ऑडिटोरियम है अलफता मस्जिद, जिसको लाहौर के जो अलफता स्टोर है शेख इरफान साहब वो स्पॉन्सर कर रहे हैं इसको सर, और वो जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं सर वो इस तरह का सेम एक बिल्डिंग और बनना है, वो जो मैंने आपको बता दिया अखवत मुशाहिदा स्कूल ऑफ हॉस्पिटल एंड टूरिज्म, वो 2 साल का डिप्लोमा है, वो उनका जो पहला बैच है वो आ चुका है यहाँ पे, तो वो बिल्डिंग इसके लिए बने, लेकिन 15% सिंध, 15% बलूचिस्तान, 15% पंजाब और 15% खैबर पख्तूनख्वा, तो बच्चों को इस तरह ले जाते हैं कि सबसे पहले उनके वालदैन के जो आमदनी है सर वो 40,000 रुपये से कम होने चाहिए, उसके बाद उनका एक एंट्री टेस्ट लिया जाता है, जब वो रिटर्न टेस्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, हमारे टीचर हर एक सूबे में जाते हैं, गिलगित में भी जाते हैं। आए सर इधर से आए, आप इधर से, हमारा मेन गेट है यहाँ से आप एंटर, यहाँ पे आपको वो स्टूडेंट ने मॉन्यूमेंट का टूर कराया सर, फिर आप उधर गए, इधर हम गए, वो वाला काउंटर पे गए सर, यहाँ से हम आके इसमें गए हैं एकेडमिक ब्लॉक पे, एकेडमिक ब्लॉक के बाद हम आए सर इस रास्ते से, हम इस बिल्डिंग में खड़े हैं, ये जो बिल्डिंग है सर हॉस्टल ये वाला सर, ये एक बिल्डिंग बनी थी लेकिन इसको हमने फिलहाल साइड पर किया हुआ सर, तो ये जो मैंने आपको 40 मिनट के बाद ही बच्चे जाते हैं, आधा घंटे का टाइम उनको दिया जाता है और ये लोग फ्रेश होते हैं, इन लोग को हम हमारे फ्रेंड से आते हैं, तो ये बच्चे हाउस वाइज बैठते हैं। ये वो बिल्डिंग है जिसमें आप खड़े हैं सर, ये इसकी तस्वीर है, लॉन्ड्री है वहाँ पे, हम खुद और ये सारे स्टूडेंट्स खुद जाते हैं, अपने कपड़े खुद धोते हैं और खुद ही वहाँ पे इस्त्री करते हैं।
सर ये हमारे एक मॉडल डोम है, इसमें चार हर एक रूम में चार बच्चे रहते हैं, ऊपर भी इस तरह से और हर एक बच्चे को अलमारी प्लस एक टेबल और चार चेयर दिए गए, एक बुकशेल्फ। तो इसमें ये है कि इसको हमने पाकिस्तान